ने प्रशासनिक अधिकारियों के लचर रवैये पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान प्रशासनिक अधिकारी गंभीर नहीं हैं। जन समस्याओं और जन नेताओं की बातों पर गंभीरता लाई जाए। रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा है कि विधानसभा हमारे प्रदेश का सबसे गरिमामय सदन है। जब विधानसभा सत्र चल रहा होता है तब पक्ष और विपक्ष दोनों इसके प्रति गंभीर होते हैं और ऐसे समय में प्रशासनिक अधिकारियों को और अधिक सजग रहना चाहिए, तभी शासन में बैठे जनप्रतिनिधियों को सारी महत्वपूर्ण जानकारी सही समय पर उपलब्ध होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गया। आकाश, अधिकारियों पर नाराजगी जता रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा है। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जो है विधानसभा सत्र के दौरान है, जहां पर विपक्षी समेत जो तमाम जो सदस्य थे उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया कि विधानसभा सत्र के दौरान वो प्रशासन को सही तरीके से जानकारी नहीं दे रहे, जानकारी देने में लेट लतीफ कर रहे हैं, इसी के साथ ही समस्याओं का की सुनवाई नहीं हो रही है, इसको लेकर सख्ती दिखाने की मांग जो है विधानसभा सदस्य से की गई थी और सभी कलेक्टरों को लेकर के भी नाराजगी जताई गई थी कि जो पूर्व दिवंगत जो नेता है, राजनेता है, उनके निधन की जानकारी नहीं आ रही और जो सत्र के दौरान जो जानकारी आनी चाहिए वो नहीं आती। तो ऐसे में गंभीरता दिखाते हुए इसको शासन ने भी लिया है और इसमें सभी कलेक्टरों को शासन स्तर पर पत्र जारी किया गया है कि सजग रहे अधिकारी और सभी जो है समय पर जानकारी उपलब्ध कराए। साथ ही ये भी कहा है कि जो जनप्रतिनिधि है उनकी बातों को गंभीरता से ले। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। तो जनप्रतिनिधि बातों को गंभीरता से ले, जन समस्याओं पर अधिकारी ध्यान दें, ये एक नसीहत भी देते हुए नाराजगी व्यक्त की है डॉक्टर रमन सिंह। खबर रायपुर से, हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी बीजेपी, आज तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर बैठक होगी और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव पवन साय इस बैठक में शामिल होंगे। प्रकाश पासवान, मंत्री ओपी चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी बीजेपी और आज तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव पवन साय इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। प्रकाश पासवान, मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहेंगे और बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो हर घर तिरंगा अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक और सीधे रुख करेंगे संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गई हैं। तनु, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है 11 अगस्त से तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है और 15 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज भाजपा कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक जो है वो रखी गई है। करीब 11 बजे से ये बैठक जो है शुरू होगी और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत संगठन के तमाम वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। और आपको बता दूं कि 11 अगस्त से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का पहले जो है आयोजन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जो है युवा मोर्चा को दी गई है और इसके बाद 13 अगस्त से 15 अगस्त तक जो है हर घर तिरंगा अभियान जो है वो चलाया जाना है। और इस अभियान के तहत हर घर पे प्रत्येक व्यावसायिक केंद्र में लोगों को तिरंगा फहराने के लिए जो है प्रेरित किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम को किस तरह से सफल बनाया जाए, इस कार्यक्रम की भव्य प्लानिंग आज की इस बैठक में जो है वो की जानी है। और इसके साथ ही इस पूरे अभियान का जो पर्पज है वो लोगों में राष्ट्रप्रेम, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। इसके साथ ही पिछले साल भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है हर घर तिरंगा अभियान जो है वो चलाया गया था, वहीं इस बार इस अभियान में बच्चों को भी शामिल करने की कवायद जो है वो की जा रही है ताकि बच्चे भी जो है राष्ट्रप्रेम की भावना से जो है वो ओतप्रोत हो। और इसी अभियान को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है भाजपा कार्यालय में रखी गई। इससे पहले भी जब प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे तब भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जो है वो चर्चा की गई थी और वहीं इस अभियान को चलाए जाने की बात जो है वो रखी गई थी, जिसके बाद इस अभियान को सफल बनाने के लिए और इस अभियान की विस्तार से चर्चा और रूपरेखा तैयार करने के लिए आज फिर एक बैठक जो है वो रखी गई है। जी बिल्कुल, आप लगातार जुड़े रहिए तनु, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां रायपुर नगर निगम के पार्षद वाटर ट्रीटमेंट का पाठ बेंगलुरु और मैसूर से सीखेंगे। 70 पार्षदों का दल आज बेंगलुरु और मैसूर के लिए दौरे पर जाएगा। दोनों शहरों से ये वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का अध्ययन करेंगे और ये पार्षद एक हफ्ते तक दोनों जगहों पर रहेंगे और फिर लौटकर रायपुर में इसे लागू कराने की कोशिश की जाएगी।
70 पार्षद हैं जो कि इन दो बड़े शहरों के दौरे पर रहने वाले हैं। वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का पाठ पढ़ने के लिए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल पूरे 70 पार्षद अध्ययन दल के लिए बेंगलोर रवाना हो रहे हैं। कल 11 बजे की फ्लाइट है, वहां पर जाके हम स्वच्छता को लेकर, वहां एक वाटर का नया सिस्टम चालू हुआ है पानी ट्रीटमेंट को लेकर, तो दो चीज हम लोग बेंगलोर नगर निगम और मैसूर नगर निगम जाके वहां देखेंगे। और संवाददाता तनु लगातार जुड़ी है। तनु, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शुद्ध पानी और पानी की लगातार उपलब्धता बहुत ही जरूरी है और इसके चलते पार्षदों को मैसूर और अन्य जगह भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कल जो है नगर निगम की MIC की बैठक हुई थी और इस MIC की बैठक में तमाम एजेंडों पर जो है वो चर्चा की गई थी, जिसमें एक एजेंडा ये भी रहा है और इस एजेंडे के तहत आज जो है मेयर समेत 70 वार्ड के जो पार्षद हैं वो जो हैं मैसूर और बेंगलोर के दौरे पर रहेंगे और करीब एक हफ्ते तक वो इस दौरे पर रहने वाले हैं और वहां इन दोनों शहरों में नए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का जो है अध्ययन पार्षदों के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही उनके साथ नगर निगम के कई अधिकारी भी जो है वो भी इस दौरे पर रहेंगे और करीब एक हफ्ते का वक्त वहां पर गुजारा जाएगा। इसके साथ ही वाटर सिस्टम के बारे में तो अध्ययन किया ही जाएगा, इसके अलावा दोनों शहरों में लागू जो है सफाई की व्यवस्था की हम बात करें या टैक्स वसूली की बात करें, इसके अलावा अन्य भी जो व्यवस्थाएं उन दोनों शहरों में लागू है इसका भी जायजा जो है एक हफ्ते तक वहां जो पार्षद और अधिकारी रुकेंगे वो लेंगे और जिसके बाद उन सभी का अध्ययन करके जब वो राजधानी रायपुर वापस लौटेंगे तब राजधानी रायपुर में भी इसे शुरू करने की जो है कवायद जो है वो की जाएगी। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि अभी हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसके साथ ही महापौर का कार्यकाल भी जो है वो समाप्ति की ओर है, ऐसे में जब उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है ऐसे में उनका ये दौरा और जब वो दौरा करके और अध्ययन करके वापस लौट जाएंगे तो आखिर कब तक ये जो व्यवस्थाएं हैं उसको यहां पर लागू की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही इससे पहले भी राजधानी रायपुर में कई तरह की तमाम तरह की समस्याएं जो है वो व्याप्त है, हाल ही में बारिश के समय में राजधानी रायपुर में जल भराव की समस्या जो है वो होती है, ऐसे में 5 साल तक नगर निगम की तरफ से इन समस्याओं को दूर करने के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही चुनाव जो है वो नजदीक आया है महापौर एजाज ढेबर समेत सभी जो पार्षद है वो अलग अलग राज्यों के जो है दौरे पर निकल रहे हैं और वहां से नए चीजों का अध्ययन करके नई व्यवस्थाओं का अध्ययन करके वो राजधानी रायपुर लौटने की बात करें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि अध्ययन करके तो वो वापस लौट जाएंगे लेकिन जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो इसे किस तरह से लागू किया जाएगा और इन योजनाओं और व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन आखिर कैसे किया जाता है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से ये जो दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण है और अब आगे बढ़ेंगे जहां पर गरियाबंद के डेंटल फ्लोरोसिस की समस्या के मामले पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सचिव और स्वास्थ्य विभाग को 2 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। 14 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। गौरतलब है कि गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के गांवों में 2000 से ज्यादा लोग डेंटल फ्लोरोसिस की बीमारी से पीड़ित हैं और 100 से ज्यादा छात्र भी इस बीमारी से ग्रसित हैं। साल 2016 में जांच के दौरान यहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने का पता चला था, जिसके बाद गरियाबंद जिले के 40 गांवों में 6 करोड़ रुपए की लागत से फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए गए थे जो कुछ महीने चलने के बाद बंद हो गए। अब प्रशासन ने प्रभावित स्कूलों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाने की योजना बनाई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे बिलासपुर से, संवाददाता उमेश मौर्य और शेख इमरान गरियाबंद से जुड़ गए। तो सबसे पहले तो उमेश के पास चलते। उमेश, फ्लोराइड युक्त पानी एक बहुत बड़ी समस्या है उन लोगों के लिए जिनके पास शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और इसके चलते अब कुछ कड़े कदम उठाए जाने की बात सामने आ रही है। गरियाबंद के 40 जो गांव हैं वहां पर 6 करोड़ की लागत से वहां पर फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाया गया था और ये प्लांट कुछ ही दिनों के बाद बंद कर दिया गया, जिसको लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सचिव स्वास्थ्य विभाग को 2 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र जमा करने के लिए कहा है और इसका आदेश जारी करते हुए कहा है कि वो पूरे डिटेल के साथ एक शपथ पत्र जारी करे। पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 14 अगस्त को होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं
जिस तरीके से गरियाबंद जिले में लगातार वहां पर फ्लोरोसिस डेंटल फ्लोरोसिस के जो मरीज हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं, खास करके 6 से जो 8 साल 9 साल 10 साल के जो बच्चे हैं उनमें ये बीमारी ग्रसित होते हुए दिखाई दे रही है। लिहाजा इस पूरे मामले को देखते हुए 2016 में वहां पर एक सर्वे किया गया था और सर्वे के दौरान ये पता चला कि वहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm होनी चाहिए लेकिन वो मात्रा 8.3 ppm है, जिसको लेकर वहां पर स्वास्थ्य विभाग ने एक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए प्लान बनाया था जिसमें फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाया गया था, लेकिन वो फ्लोराइड रिमूवल जो है जिन स्कूलों में लगाया गया था वो महज कुछ दिनों बाद बंद कर दिया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। खास करके देवभोग जो ब्लॉक है वहां पर 40 ऐसे गाँव है जहां पर फ्लोराइड युक्त जो है वाटर सप्लाई होता है, खास करके सीधे तौर पर जो स्कूली बच्चे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में 40 स्कूलों में 40 जो गांव है वहां पर फ्लोराइड के लिए वहां पर रिमूवल प्लांट लगाया गया था लेकिन वो प्लांट बंद हो गए हैं। और बिलासपुर उसको लेकर हाईकोर्ट बिल्कुल उमेश और गरियाबंद से हमारे साथ शेख इमरान भी जुड़े हैं। आज शेख इमरान, न सिर्फ गरियाबंद बल्कि आसपास के और भी इलाके हैं जो कि इस फ्लोराइड युक्त पानी से परेशान हैं। न सिर्फ बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं, अन्य समस्याएं भी होती हैं, कई बार किडनी की परेशानियां भी खड़ी होती हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि 2016 से चली आ रही ये समस्या अभी तक इसका पुख्ता हल नहीं निकल पाया है। साथ ही मौत के आंकड़े भी देखे गए थे फ्लोराइड युक्त पानी की वजह से। जी बिल्कुल, फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए देवभोग के लगभग ग्रामीण और स्कूली बच्चे मजबूर हैं और इनकी मजबूरी इस वजह से है क्योंकि जो योजना बनाया गया था 2016 के बाद फ्लोराइड रिन्यूअल प्लांट जो लगाए गए थे वो कुछ दिनों बाद बंद हो गए, ताला लग गए और इस वजह से बच्चों को जो है और ग्रामीणों को फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ा, जिसके वजह से उनके दांत पीले हो रहे हैं और अन्य बीमारी भी हो रही है। सुपेबेड़ा में भी फ्लोराइड युक्त पानी है और सुपेबेड़ा एक चर्चित गांव है जहां कई लोगों की मौत हो चुकी है। अब जो ये 40 गांव में जो फ्लोराइड रिमूवल जो प्लांट लगाए गए हैं यहाँ तो पूरे मशीन जो है वो बंद पड़े हुए हैं, मामला कोर्ट तक गया है, कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही की बात इसलिए नजर आती है क्योंकि वहां पर जब सर्वे हुआ था तो 0.9 ppm जो सामान्य पाया जाता है इससे मानक अधिक जो है फ्लोराइड पानी मिला जो 8.9 ppm तक है। इसके बाद जो प्लांट लगाए गए वो न कभी चालू हुआ और न उसका फायदा ग्रामीणों को मिला। आज हमने जब स्कूल में गए तो स्कूल के तमाम जो रिमूवल प्लांट है वो हमें बंद पड़े मिले और इस तरह के प्लांट लगाए गए हैं जहां पर ताला लटका हुआ है, इसका शुद्ध पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से दांत जो है पीले हो रहे हैं। ना केवल दांत पीले हो रहे हैं बल्कि इसका इफेक्ट किडनी पर भी पड़ रहा है, साथ ही जो दांत खराब हो रहे हैं इसका इलाज बड़ी मुश्किल से है। डॉक्टर का कहना है, एक्सपर्टों का कहना है कि अगर फ्लोराइड युक्त पानी पीने से दांत पीले हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि दांत टूट जाएंगे और कई तरह की बीमारी उन्हें होगा। हालांकि अधिकारी जो है इसे मरम्मत कराने की बात तो कह रहे हैं लेकिन धरातल पर स्थितियां कुछ और है और स्थितियां जो बयां करती है वो बेहद गंभीर और चिंताजनक है। इस पर अगर संज्ञान नहीं लेता तो जाहिर तौर पर स्थिति और भी बिगड़ते चली जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि अब ये दावा किया जा रहा है और जैसे कोर्ट की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है कि रिपोर्ट दी जाए कि आखिरकार यहाँ पर क्यों व्यवस्थित इंतजाम नहीं हो पाए हैं। अब आगे बढ़ेंगे जहां पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सड़कों पर मवेशी नहीं हटने और हादसों में कई मवेशियों की मौत को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव को इसकी जांच कर 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने मवेशी की मौत के आंकड़े भी कोर्ट में पेश किए हैं जिसमें उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस साल जनवरी से अब तक 73 हादसों में 55 लोगों की मौत हो गई। याचिका में कहा गया है कि रायपुर बिलासपुर मार्ग इस मामले में सबसे ज्यादा खतरनाक है। साथ ही प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 52 ऐसे स्थान हैं जहां पर मवेशियों के कारण सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। हाईकोर्ट में प्रदेश भर की सड़कों पर आवारा कुत्तों और मवेशियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने नगर पालिका निगम आयुक्त और ग्राम पंचायतों को सड़कों पर पशुओं को आने से रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं।
खबर बलौदा बाजार से बड़ी खबर है, जहां पर नाबालिग लड़के की लाश मिली है। नाले में बहे 17 वर्षीय नाबालिग की लाश मिली है। नहाने के दौरान खोरसी नाले में बहा था नाबालिग। एसडीआरएफ रायपुर और नगर सेना ने निकाला शव। यूपी के इटावा जिले का रहने वाला नाबालिग बताया जा रहा है। बड़ी खबर है बलौदा बाजार से, जहां पर नाबालिग लड़के की लाश मिली। नाले में 17 वर्षीय नाबालिग की लाश मिली है। नहाने के दौरान खोरसी नाले में नाबालिग बहा था। खबर अंबिकापुर से, विधायक राजेश अग्रवाल का बयान, जहां गंगापुर के वार्डवासियों की समस्या जल्द दूर होगी। रिहायशी इलाके में शराब दुकान से वार्डवासी परेशान हैं। सालों से शराब दुकान हटाने की मांग कर रहे हैं। 2 महीने में हटेगी गंगापुर से शराब की दुकान। शराब दुकान हटाने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। खबर अंबिकापुर से है, जहां विधायक राजेश अग्रवाल का बयान। तो गंगापुर के वार्डवासियों की समस्या जल्द दूर होगी। रिहायशी इलाकों के पास जो शराब की दुकानें हैं, इन्हें जल्दी हटाया जाएगा। दरअसल यहां के लोग लगातार शराब की दुकानें हटाने की मांग कर रहे थे, जिसे हटाए जाने के लिए आश्वस्त किया गया है। क्या हो गई है, हैंडल भी हो गया है और बहुत जल्दी उसका नया दुकान बन जाएगा। मेरे को लग रहा है 2 महीने के अंदर हर हालत में वो वहां से हटेगी। मैं एकदम कड़े निर्देश दिया हूँ इसके बारे में, और निश्चित रूप से 2 महीने के अंदर वहाँ से गंगापुर से हो शराब दुकान हटेगी। वहाँ के लोगों की जो बहुत बड़ी समस्या है वो दूर हो। और आगे बढ़ेंगे, राजनांदगांव से खबर है, जुआ खेलते 18 जुआरी गिरफ्तार कर लिए गए। जुआरियों से 11,000 कैश, 14 मोबाइल भी जब्त किया गया है। जुआ एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। बसंतपुर थाना क्षेत्र के हाट बाजार का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर पेंड्रा से, जहां जंगल में मिला नरकंकाल। नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जोगी डोगरी जंगल में मिला नरकंकाल मरवाही का मामला है, जहां मरवाही थाना क्षेत्र के मरवाही का पूरा मामला है। तहसीलदार सहित बीएमओ मौके पर पहुंचे। कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। तो पेंड्रा का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर जंगल में मिला नरकंकाल। नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जोगी डोगरी जंगल में नरकंकाल मिला है। खबर बलरामपुर से है, जहां पर हाथी ने उत्पात मचाया है। दल से बिछड़े हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। चाकी गांव में एक घर को तोड़ दिया गया। घर में रखे अनाज को बर्बाद कर दिया गया। हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। रामानुजगंज वन क्षेत्र में हाथी ने डेरा जमा लिया है, और ये देखिए किस तरीके से हाथियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को नुकसान पहुंचाया, और हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में बने हुए हैं। डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हाथियों की आमद से इलाके में ग्रामीणों को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही जान का खतरा भी बना रहता है। छत्तीसगढ़ में करंट की चपेट में आने से हाथियों की मौत पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चिंता जताई है। कोर्ट ने इस मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या ऐसा ही सब खत्म हो जाएगा? अगर वाली अडलाइन को नहीं बचाएंगे याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि पिछले 3 साल में प्रदेश में 21 हाथियों की मौत करंट लगने से हुई है, जबकि इस साल जून में सूरजपुर में एक हाथी की बिजली के पोल से टकरा गया था, जिससे पोल झुक गया और दूसरे हाथी की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होने वाली है। रायपुर शहर में भिक्षावृत्ति में संलिप्त लोगों के रेस्क्यू का काम ठंडा पड़ चुका है। इन दिनों शहर 6 तरह के भिखारियों से भरा है। कोरोना काल के बाद से शहर में भिखारियों का रेस्क्यू कर पुनर्वास कराए जाने का काम तेजी से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये पहले के जैसे रफ्तार के साथ नहीं चल रहा है। इसके चलते अब शहर के चौक चौराहों पर भिखारी लोगों से पैसे मांगते हुए नजर आ रहे हैं। भिखारियों का ये दल महाराष्ट्र के गोंदिया भंडारा जैसी जगहों से रायपुर पहुंच रहा है, और उसके अलावा भोपाल और राजस्थान जैसी जगहों से भी व्यापार के नाम पर भीख मांगने वाले लोग शहर में मौजूद हैं। ये लोग पेन और कान खुजाने वाली सामग्री बेचने के नाम पर लोगों से पैसे मांगते हैं।
कुछ भिखारी परमानेंट स्थान बनाकर भीख मांगते हैं और इनमें बड़े पैमाने पर ऐसे भिखारी शामिल हैं जो भीख मांगकर नशाखोरी करते हैं। एक युद्ध नशे के विरुद्ध का हो गया, इसमें जो लोग रोड पर जैसे कुछ मांगने वाले लोग हैं वो नशे में चले जाते हैं, या नशे के जो संभावित क्षेत्र हैं उनका चिन्हांकन करके वहाँ पर हर प्रकार से समझाने से, कार्रवाई से, जिस प्रकार से उनको रोका जा सकता है कार्रवाई की जाए। तैयार करने की कोशिश जारी है और बहुत जल्दी एक योजना तैयार करके एक साथ उस पर अमल भी किया जाएगा ताकि इस तरीके की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।